अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम वीडियो करने वाले अब्दुल मलिक फरीद के साथ घर ए हीरा एग्जीबिशन कश्मीरी भाई इन मक्का टावर परम ब्लॉग, आइए देखते हैं। अभी हम यहाँ से एंट्री लेने वाले, ये एग्जीबिशन है। हाँ, रेवलेशन एग्जीबिशन, अरे हीरा का पूरा प्रॉपर मॉडल बना हुआ है, सब कुछ होगा, ब्लॉग में देखिएगा। इधर इस तरह एक ही आदमी के बैठने की जगह होती है, इधर से यहाँ पे ना एक आदमी पूरा आ जाता है। इसकी ओपनिंग करते हैं अभी। दिस इज चिकन सूप, चिकन सूप है, पिज्जा माशाल्लाह तबारकअल्लाह। माशाल्लाह क्लॉक टावर, ये देखिए आ गए हम गारे हीरा में। जो ये आपको पहाड़ दिख रहा है, ये गारे हीरा है, और ये जो लाइट्स दिख रही है नीचे, ये म्यूजियम है। तो वहीं पे जाना है हमें इंशाल्लाह। तो जी हमारे भाई को इंडिया आना है, वीजे का मसला है बस, थोड़ा सा वीजा मिल जाएगा इंशाल्लाह, भाई इंडिया जरूर आएंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भाई वीजा दे दो, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि इतनी इतनी मोहब्बत मिलती है ना इंडिया से, मैं आपको अल्फाज में कभी भी नहीं बता सकता, बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलती है इंडिया से मुझे। इंशाल्लाह जरूर भाई आएंगे इंशाल्लाह, और हमारे पहले मेहमान होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं ये वादा नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने वीजा लगा के दिया वो कहेगा मेरे पास आओ तो। कैसा मंजर आ रहा है सामने, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। एग्जीबिशन, सो अभी हम यहाँ से एंट्री लेने वाले हैं, ये एग्जीबिशन है। हाँ, रेवलेशन एग्जीबिशन, मारद अल वाही, अरबी में मारद अल वाही। तो इधर अंदर जाके आपको कुछ थोड़ा सा किससुल अंबिया और गारे हीरा का पूरा प्रॉपर मॉडल बना हुआ है, सब कुछ होगा, ब्लॉग में देखिएगा, इसमें दिखाते हैं इनको। चलो जी, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, फीलिंग लर्निंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। लेकिन अंदर शूट करना भी मना कर देंगे आपको, टेंशन मत लें। तो फिर शूट नहीं कर सकते? थोड़ा सा कर लेंगे, चलेगा। وكانت المفاجأة أن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون. لما كبر موسى عليه السلام وبلغ 40 سنة أوحى الله تعالى إليه وكلفه بدعوة فرعون إلى الدين الحق وترك الكفر والظلم، وأرسل معه أخاه هارون عليه السلام نبيا. لكن فرعون وقومه قابل دعوة إلى التوحيد للسخرية. ما شاء الله تبارك الله، زبردست. पे सारे प्रॉफिट्स की उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, टिल जीसस अलैहि सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बताएंगे क्यों? सेम टू सेम वैसे ही। तो ये मॉडल है गारे हीरा का माशाल्लाह, तकरीबन 99% एग्जैक्टली वैसे ही है। हाँ, जाएं आप, जाएं अंदर जाके, जाएं जाओ अंदर। इधर इस तरह एक ही आदमी के बैठने की जगह होती है, इधर से यहाँ पे ना एक आदमी पूरा आ जाता है। हाँ जी जी इंशाल्लाह जी। तो पहले पत्थरों पे ऐसे कुरान लिखा जाता था, और ये वाला पहला कुरान है जो हज़रत उस्मान गनी, जो उन्होंने ऐसे मुसहफ में एक साथ एक किताब में समझ लें जमा किया, वो इस तरह से ये पहला कुरान है। हाँ, कहा जाता है इस तरह से, ये था, ये उसकी कॉपी है मुस्लिम। और जो असली है वो तुर्की, वो तुर्की में है ये वाला, से ओरिजिनल लिखी हुई थी सही बुखारी इस तरीके से। हाँ, मतलब शुरू में इस तरह की लिखी हुई थी सही बुखारी जी। ये पूरा हाथ पे लिखा हुआ है कुरान, कढ़ाई करके कपड़े के साथ ना, कपड़े के ऊपर। हाँ, इसके 10 पार्ट्स हैं, ये आखिरी जिल्द है, मतलब इसमें 3 पारे। माशाल्लाह,
नॉलेज ताज़ा हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं कोशिश करूंगा कल भी मैं आपको इंशाल्लाह मिलूं, आपको हज वाले मकामात दिखाने अगर आ सका तो इंशाल्लाह कल भी आऊंगा, नहीं आ सका तो फिर नेक्स्ट जो आपका ट्रिप दिसंबर में इंशाल्लाह, दिसंबर में आपको फिर वो पूरा हज वाले मकामात और उधर काफ़ी चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। आज तो सिर्फ दो चीज़ें आपको दिखाई हैं और बहुत कुछ है मक्का तुल मुकर्रमा में देखने का। जी जी भाई शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। आपको खुश रखे, आपकी इबादत कबूल फरमाए मेरे लिए और मेरे देखने वाले भाइयों के लिए, दुआएं जो है ना कीजिएगा इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। गाइस फाइनली होटल में वापस आ चुके हैं, हमारे अब्दुल मलिक फरीद साहब ने हमें वक्त दिया आज और उनसे हम मिले और हमारे तुर्की भाई भी थे साथ में माशाल्लाह। जब भी हम आते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली लाइट चल जाती है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो भाई ये भाई आए हैं हमें मिलने के लिए और ये कराची से हैं और आपका नाम आमिर है और इन्होंने हदिया दिया है जो इनके घर से आया डायरेक्टली एंड बहुत शुक्रिया आपके घर वालों को। जज़ाकअल्लाह भाई जज़ाकअल्लाह। इंशाल्लाह शुक्रिया भाई इंशाल्लाह जज़ाकअल्लाह ब्रदर। और ये तुर्की भाई से कांटेक्ट किया इन्होंने। दिस इज एवरी योर लव लव जज़ाकअल्लाह अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हमारे भाई तुर्की भाई ने इनको कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे थे और इन्होंने बुलाया और मुझे पता भी नहीं, मुझे डायरेक्ट भाई नीचे लेके आया और नीचे सामने आमिर भाई खड़े थे और उन्होंने हमें हदिया दिया। उनके घर वालों को बहुत बहुत शुक्रिया एंड मिस्टर तुर्की माशाल्लाह तबारकअल्लाह बट थैंक यू सो मच। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यार का मोहब्बत का, आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर। सलाम अलैकुम। मादो रेस्टोरेंट में आए हम एंड कश्मीर से हमें भाई मिले एक यहाँ पे, ऑर्डर ले रहे थे और उन्होंने पहचान लिया हमें, राइट ब्रदर? Yes. क्या समझा? यस yes. तो माशाल्लाह तबारकअल्लाह उन्होंने पहचाना और उन्होंने बोला कि आप यजदान हैं माशाल्लाह। और थोड़ा कैमरा में नहीं आ सकते हैं वो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज एक भाई ने हमें गिफ्ट भी दिया एंड वो भी इस भाई की वजह से, उन्होंने जा नमाज दिया माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। मैं आपको रूम पे जाके इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। अभी खाना हमने ऑर्डर किया है, खाना जैसे ही आएगा इंशाल्लाह आगे का काम स्टार्ट करेंगे। क्या बोलते भाई? एक नंबर एक नंबर एक नंबर यज़दान भाई एक नंबर, मिस्टर तौसीफ एक नंबर एंड मिस्टर तुर्की भाई एक नंबर। नो दो नंबर नो। सबसे पहले ये आया हमारे पास विच इज रिफ्रेशिंग टावल ब्रदर, रिफ्रेशिंग टावल वी गॉट, सो लेट्स रिफ्रेश आवर हैंड्स फर्स्ट। चलो जी ये करते हैं पहले। ये पहला स्टाइल देखा है मैंने कि किसी होटल में हाथ साफ करने के लिए ये ये सेम चीज हमें आई थिंक इन ट्रेन वी गॉट राइट, बुलेट ट्रेन सेम मुअत्तर, दिस इज नेम मुअत्तर, यस मुअत्तर मुअत्तर, यस मुअत्तर ब्रदर। ओके ब्रदर जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। डिनर करेंगे, बहुत भूख लग रही है, जैसे ही खाना आएगा डिनर करके यहाँ से जाएंगे। ये आया हमारा सूप, सूप है ये हमारा चिकन सूप माशाल्लाह, डिफरेंट टाइप ऑफ सूप ब्रदर। इसकी ओपनिंग करते हैं अभी, दिस इज चिकन सूप, चिकन सूप है यस माशाल्लाह तबारकअल्लाह वल्लाह, लेट्स हैव इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त माय ब्रदर तुर्की विल हैव इट, जबरदस्त वाइट सूप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी नेक्स्ट डिश में मिलते हैं। अभी नेक्स्ट डिश जो आई है वो है हुम्मस और दिस इज ब्रेड राइट, हुम्मस एंड ब्रेड माशाल्लाह। चलो जी अभी इसको ट्राई करते हैं, गरम गरम रोटी विद हुम्मस। लाइक आई हैव ट्राइड दिस हुम्मस इन सऊदी अरेबिया एंड आई लव्ड इट माशाल्लाह तबारकअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज जैतून, यस
जीतूं। इतना लजीज है ना हुम्मस, माशाल्लाह लजीज। Where Mr. Tawseef? Love hummus. Mr. Tawseef, love hummus? Yes. MashaAllah. He will be missing this hummus. Yeah. Mr. Tawseef, also come next time. Inshallah. ये पिज़्ज़ा है और ये चिकन एंड चीज़ समथिंग है, मुझे इसका नाम नहीं पता अच्छे से, बट माशाल्लाह तबारकअल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तुर्की भाई पता नहीं किधर चला गया। यहाँ का सबसे बेस्ट पिज़्ज़ा माशाल्लाह तबारकअल्लाह। इसको पिज़्ज़ा को डुबाएंगे हम सॉस में, ज़बरदस्त माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा है भाई? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। नाउ विल टेस्ट दिस, जबरदस्त। मुशक्कल चिकन एंड चीज माशाल्लाह, विदाउट सॉस माय ब्रदर। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी खाना खा के मिलते हैं। A few minutes later. खाना हो चुका है हमारा और वो सारे बंदे जो हैं खड़े हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह, सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और हमारे एक कश्मीरी भाई है यहाँ पे, वो भी बड़ी मोहब्बत करता है, और उनसे मिलेंगे और फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो ब्रदर। और ये तुर्की है मेरा भाई, इसको याद रखो, याद रहेगा। चलो जी बहुत ज्यादा टाइम हो गया, पूरे का पूरा मॉल बंद हो गया है, देखो हम अकेले ही घूम रहे हैं। 12:30 हो चुके हैं एंड नाउ विल गो टू होटल स्लीप। चलो ब्रदर। माशाल्लाह तबारकअल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। चलिए गाइस मिलते हैं, जज़ाकअल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और देखिए गाइस, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।